नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, सभी को भीम शैनी एकादशी, निर्जला एकादशी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। जो लोग पूरे साल एकादशी का व्रत ना कर पाए, वो लोग सिर्फ इस एक दिन अगर एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो पूरे साल की एकादशी के व्रत करने का पुण्य उन्हें मिल जाता है। तो आज के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। वैसे दोस्तों, एकादशी वाले दिन भगवान नारायण की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है। निर्जला एकादशी वाले दिन भगवान शिव की भी पूजा होती है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने का बड़ा महत्व है। तो आज लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ भगवान शिव जी के मंदिर में भी जरूर जाए और भगवान शिव की पूजा करें। कहते हैं जब पांडवों को वनवास हुआ था तो आज ही के दिन, मतलब पांडवों का ये नियम था कि वो शिव जी को जल दिए बिना, जल चढ़ाए बिना, खास करके भीम का ये नियम था, जब तक वो शिव जी की पूजा नहीं कर देते थे वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। आज ही के दिन भीम ने, जब उन्हें कहीं शिवलिंग नहीं मिला और उन्हें बहुत भूख प्यास लग गई, तो उन्होंने अपने हाथ से एक शिवलिंग बनाया तात्कालिक और उसकी पूजा कर दी। और वही शिवलिंग है जो भीम शंकर महादेव के नाम से प्रख्यात। और उसके बाद में उसे बड़ा महत्व दिया गया। आज भी उस तीर्थ का, तीर्थों का आज 12 जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है भीमशंकर। तो आज का दिन बड़ा महत्व का है, बड़ा महत्व का। आप एक नहीं, अनेकों तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निर्जला एकादशी कोई सामान्य दिन नहीं है। आज के दिन जो भी व्यक्ति जिस इच्छा से व्रत उपवास रखता है, उस व्यक्ति की तमाम इच्छाएं पूरी कर हो जाती है। निर्जला एकादशी का दिन ऐसा है दोस्तों, जिस दिन आप जो सोच करके व्रत करेंगे वो आपकी इच्छा पूरी होती है। आज के दिन सुबह उठते के साथ आपको बोलना है ओम नमो रामेश्वराय नमो नमः। 12 बार आपको इस मंत्र को सो करके उठते के साथ हथेली दर्शन कर लेने के तुरंत बाद आपको 12 बार ये शब्द बोल करके ही पृथ्वी पर पैर रखना है, ताकि एकादशी के देव भगवान नारायण के साथ भगवान शिव का भी नाम स्मरण हो और दोनों का, भगवान राम और भगवान शिव के नाम से ही आज के दिन की शुरुआत हो, जो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदाकारक है। तो आज के दिन आप इस मंत्र को सुबह उठकर 12 बार जरूर बोलें, उसके बाद ही आप स्नान आदि करें और व्रत की शुरुआत करें। कई लोग जो पूछ रहे हैं, मैडम निर्जला एकादशी वाले दिन क्या जल ग्रहण नहीं किया जा सकता? जो लोग रेगुलर 24 एकादशी कर रहे हैं, स्पेशल ये नहीं है कि नहीं मुझे स्पेशल निर्जला एकादशी ही करनी है, तो वो जल पी करके भी कर सकते हैं। आप सच्चे मन से कर रहे हैं, भगवान उसका स्वीकार जरूर करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, जो निर्जला एकादशी को ही सिर्फ टारगेट करके और ये व्रत रख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो पूरे साल व्रत नहीं करते, सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत रखते हैं, तो वो बिना जल पिए ही करें। और दूसरे दिन, मतलब कि जून, 1 जून के दिन पारणा करें, तब भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करें। ठीक है, ये एकादशी दोस्तों 30 मई, सॉरी एक दिन आगे शुरू होगी, 1:07 से दोपहर 1:07 से शुरू हो रही है, मंगलवार के दिन, 30 मई मंगलवार के दिन। ओके, दूसरे दिन, मतलब कि जिस दिन निर्जला एकादशी मनाई जा रही है, 31 मई को, उस दिन ये दोपहर 1:45 तक रहने वाली है। मतलब मंगलवार को दोपहर 1:07 से शुरू होगी, जो बुधवार के दिन 1:45 तक रहने वाली है। जो पारणा है वो 1 जून, मतलब कि बुधवार के दिन किया, सॉरी
बार बार मुझे सॉरी बोलना पड़ा, गुरुवार के दिन होगा। तो जरूर मनाए इस दिन को, जितना ज्यादा दान पुण्य कर सकते हैं दोस्तों जरूर करें। जो व्रत उपवास कर सकते हैं जरूर रखें। कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो आज के दिन इस व्रत को रखने के बाद पूरी ना हो, करके देखें। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।